हमें 2 महीने हो गए हैं तुषार से मिले हुए, मगर तुषार के पास वहाँ पे पतला सा कंबल था, उसको ठंड लग रही थी। ये लगी हुई है हमारी स्टॉल। से हाय। देख रहे थे कि मैं सामान लगा रहा था और पायल भी लगा रही थी साथ। हम लोग तुषार के पास जा रहे हैं, हमें 2 महीने हो गए हैं तुषार से मिले हुए, तो आज बेल्जियम वेफल यमुनानगर तो जा रहे हैं, उसको सामान भी देंगे और बेल्जियम वेफल का कुछ सामान भी है वो भी उसको देना है हमने। वहाँ के लिए सामान कुछ कम हो गया था तो यहाँ से हमने परचेज कर लिया था, तो वहीं जा रहे हैं। ठंड शुरू हो गई थी आपको पता ही है, मगर तुषार के पास वहाँ पे पतला सा कंबल था, उसको ठंड लग रही थी, तो उसके लिए मोटा कंबल और चादर वगैरह गर्म लेके जा रहे हैं साथ। और एक नया दिन और एक नए जर्नी मई हम सफ़र जिंदगी के साथ। रास्ते में चल रहे हैं, सामान तो ले लिए हमने सारा कुछ, हल्की सी फोग भी है, बाकी तो रास्ते में चलेंगे वहाँ शायद ज़्यादा भी मिले, क्योंकि गाँव में ज़्यादा मिलती है क्योंकि खेत होते हैं वहाँ पे। अब इंद्री तो हम क्रॉस कर चुके हैं और मैं बताने में भूल गया, तुषार के लिए हमने नाश्ता भी तैयार किया हुआ है, क्योंकि रोज़ वो अपने हाथ से बनाता था, तो आज उसकी मम्मी ने खुद नाश्ता वगैरह भी तैयार कर दिया, कुछ रस वगैरह भी रख लिए ताकि सुबह आगे नाश्ता कर सके रस के साथ भी। तुषार ने हमें ये बताया कि आज बेल्जियम वेफल की 2 स्टॉल लगेंगी, एक DPS में एक मिलेनियम में लगेगी, तो मैं और पायल दोनों जा रहे हैं वहाँ पर। वो इसलिए जा रहे हैं कि हमें भी वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा और पायल बेल्जियम वेफल पे खड़ी होगी। आज पायल बुटीक छोड़कर आज बेल्जियम वेफल की ड्यूटी करेंगे हम और पायल भी। अभी यमुनानगर हम पहुंच गए हैं और हम बेल्जियम वेफल पहुंचने वाले हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर रह गया है। और वैसे बेल्जियम वेफल तो 11 बजे खुलता है, मगर आज शायद अभी खोल देंगे, मगर कस्टमर के लिए ओपनिंग तो 11 बजे ही रहती है। बस थोड़ी सी दूर रह गया, क्रॉस करते सारी एंट्री करेंगे हम, लगभग 500 किलोमीटर के बाद एंट्री करेंगे गली में अपने। कि गली इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी सी सड़क है, ज़्यादा नहीं है, शॉर्टकट मारते हैं हम लोग वहाँ से। मैं से गली सी कहता हूँ क्योंकि देखो ना, मतलब कि 2 गाड़ियाँ निकलने में भी थोड़ा सा लगता है, यहाँ पे साइड करनी पड़ती है ज़्यादा, इसलिए मैं इसे गली बोलता हूँ। वैसे ऐसा है मेन रोड ही आगे। अभी बंद है। अब हमने तुषार को फ़ोन किया था और तुषार ने बेल्जियम वेफल खोल दिया है और हम अंदर आ चुके हैं, आप देख ही रहे हैं फाइल खड़ी है। क्रिसमस की तैयारी कर रखी है तुषार ने, डेकोरेट किया हुआ है।
ये देखिए सर, स्टॉल वगैरह की लगी हुई है। यहाँ पे कर रहे हैं और स्टॉलें लगी हुई हैं, आप पूरा देख ही रहे हैं सारी। हमारी जो स्टॉल लगी हुई है द बेल्जियम वेफल, वो सामने है। तुषार सर और उसके साथ काम करने वाले लड़के हैं, ये बेल्जियम वेफल से किसी ठीक है इससे पंगे ले रहे हैं। नहीं तो नहीं, चलो इनको अपना काम करने देते हैं। हम मार्केट ये जो मेला लगा हुआ उसमें घूमते हैं थोड़ा सा। और पायल पायल, हम तुम वहाँ पे बैठे रहे बेल्जियम वेफल में, क्या महसूस हुआ आज, कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन वहाँ बोर हो रहे थे। वहाँ बोर हो रहे थे, क्या बात? वहाँ पे थोड़े कस्टमर थे अभी स्टार्टिंग। एक्चुअल क्या होता है कि सुबह सुबह हमारे कस्टमर कम होते हैं और इस टाइम इवनिंग के अंदर हमारे कस्टमर शुरू हो जाते हैं। सुबह क्या होता है कि जोमेटो स्विगी से हमारा काम चलता है, तो उसमें कस्टमर तो आते नहीं, बातचीत करने का मौका मिलता नहीं है मैम को, तो इसलिए बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे साथ आते भी नहीं है। आज इसी कारण लाए कि उनको बैठना पड़ेगा और हमें यहाँ भी देखना है। तुषार भी लगा हुआ है, आप देख ही रहे थे फिर, तो अब यहाँ से फिर थोड़ी देर में हम अपने वापस वहीं जाएंगे। अब देखते हैं कितनी देर तक ये मेला चलेगा और फिर उसके बाद ही आपसे मिलेंगे हम। होगा तो घूमेंगे, तो बीच में आपको ज़रूर दिखाएंगे क्या हम परचेजिंग कर दें या खाएँगे। DPS वालों इनाम भी रखे हुए हैं, जो अब देखो इनाम निकल रहे हैं और लॉन्चमेंट हो रही है साथ साथ। हरिवंश मैदान, हरिवंश मैदान जगाधरी 8851097588 फोन नंबर। टिकट नंबर 3129, डेट प्राइस टिफिन बॉक्स गोज टू हरिवंश मैदान। हरिवंश मैदान हैज फ्रॉम द टिफिन बॉक्स द 8 प्राइस ये इनाम है कुछ, इसमें एक्टिवा वगैरह, वॉशिंग मशीन, कुछ इम्प्लायंस वगैरह सब कुछ इसमें दे रहे हैं गिफ्ट, जिन जिन का निकला है वो अनाउंसमेंट भी हो रही है। अब हम बेल्जियम वेफल से निकल रहे हैं अपनी घर की तरफ और लगभग हमें डेढ़ घंटा लगेगा और पेट्रोल भी भराना है, पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है हमारा, तो फिर पेट्रोल भराते हैं।
हमने पेट्रोल तो डलवा लिया है और ज़्यादा नहीं डलवाया मैंने, 1000 रुपये का डलवाया, करनाल तक पहुँचने के लिए सफिशेंट है। मैं सब यहाँ से निकल ही चुके हैं, करनाल जाके मिलेंगे आपसे अब रास्ता, क्योंकि ऐसे ही है, रात का सिंगल सड़क है। चलो फिर मिलते हैं आपसे घर चलने पे। अब हम घर तो पहुंच गए हैं, बस गाड़ी अपनी पार्किंग पे लगा रहा हूँ। पार्किंग पे गाड़ी लगा ली है, अब घर चलते हैं, अंदर जाते हैं। अब घर पहुंच चुके हैं हम, बस अब कपड़े चेंज करके आराम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। अब अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम सफ़र ज़िंदगी के साथ।